संसद की कार्रवाई से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के विवादित अंशों को हटा दिया गया। बीजेपी सांसदों की आपत्ति के बाद ये अंश हटा दिए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों के अंशों को कार्रवाई से हटाकर सदन में लोकतंत्र को खत्म किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया था कि 2014 में केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ऐसा असली जादू हुआ था कि 8 वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा भी किया था कि मौजूदा सरकार के दौरान नियम बदलकर हवाई अड्डों के ठेके अडानी समूह को दिए गए। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों को आसन के निर्देश पर कार्रवाई से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होते हुए टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मोइत्रा का भाषण खत्म होने के बाद अगले वक्ता ने बोलना शुरू किया। इसी दौरान बैठे बैठे महुआ मोइत्रा ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसका विरोध करते हुए भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। रमेश भदौड़ी, विनोद सोनकर और निशिकांत दुबे सहित कई भाजपा सांसदों ने खड़े होकर सदन में महुआ मोइत्रा से माफी मांगने की मांग की है। इस पर आसन की तरफ से कहा गया था कि अवध और असंसदीय भाषा को सदन के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। संबंधित दल के नेता और केंद्रीय संसदीय मंत्री आपस में बात करके तय करके इसका समाधान कैसे करना है ये तय करें। हालांकि उन्होंने बुधवार को लोकसभा में कहे गए अपशब्दों के इस्तेमाल का बचाव किया और कहा कि वो सेब को सेब कहेंगे संतरा नहीं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड में नहीं था और मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मैं एक सेब को एक सेब कहूंगी नारंगी नहीं, मैं कुदाल को कुदाल कहूंगी। यदि वे मुझे विशेषाधिकार समिति के पास ले जाते हैं तो मैं अपनी कहानी का पक्ष रखूंगी।